brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. एडवांटेज भी है सरकार के, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया है इन्होंने, बाहर जाना पड़ता है कई लोगों को कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं यहाँ पे, और इक्वालिटी भी नहीं है, रोजगार मिले हैं अब मिलने लगे हैं वो, जब आने इलेक्शन की बात आने लगी है तो लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया, स्कीम आ रही है अब आ रही है। युवा वर्ग है उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हैं, वो उनकी गलती है कि वो देखना नहीं चाहते अपॉर्चुनिटीज को, और जो जो लोग कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा वो खुद के अंदर तो देखते नहीं कि उनके अंदर स्किल्स तो है ही नहीं। जी सरकार के बैनर लगाने से तो कुछ नहीं होने वाला, तो सरकार को हर बार दोषी मानना गलत है, अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन इस सरकार के आने से मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं युवा वर्ग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि इस समय हरियाणा तक की टीम के साथ जो युवा बन रहे हैं वो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, और क्या कुछ इनके मन में है, किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे और क्या कुछ ये चाहते हैं, आइए सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जैसे कि मोदी जी के आ जाने से देश में काफ़ी ज़्यादा सुधार आए हैं, नदियों तालाब इतने ज़्यादा साफ़ हो गए हैं, रोड इतनी अच्छी बन गई हैं, तो मैं तो इस बार भी वोट अपना, मेरा फर्स्ट टाइम वोट है तो मैं अपना वोट मोदी जी को ही दूंगी। क्या कारण मानते हैं आपको, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको पसंद आए हैं? रोड साफ़ हो गई हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा इतनी साफ़ हो गई है, और राम मंदिर भी बन गया सबसे बड़ी बात। लेकिन एक चीज़ ये है कि जनरल कैटेगरी को इतना ज़्यादा पीछे रखा जाता है, जिससे जो जनरल कैटेगरी को नीचे रखा जाता है ना, इक्वल दिया जाए ताकि लोग आगे ज़्यादा बढ़ सके। किस तरह देखते हैं और क्या काम है जो लगता है आपको युवा वर्ग, क्योंकि ज़्यादा विदेश की तरफ मुँह कर रहा है और आज, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे काम नहीं है, इकनॉमी अच्छी नहीं है यहाँ की, इसलिए बाहर जाने की कोशिश करते जा रहे थे। अगर यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन इतना हो गया है कि लोग अब बैकआउट हो जाते हैं कि हमें बाहर जाना है, यहाँ पर रहना ही नहीं है, तो इसलिए अगर इक्वल रखा जाए सब कुछ ये, तो लोग बाहर जाएंगे ही नहीं, यहाँ पर ही काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए क्या कुछ मन में है, पहली बार वोट करेंगे, किस तरह का नेता आपको पसंद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दे जैसे यूथ को, आपने कहा कि लोग बाहर जा रहे हैं, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, सबको यही है कि बस 12th पास किया और फिर अब तो बाहर का वीज़ा लगवाना है, किसी को कनाडा जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। किस तरह देखते हैं पूर्व सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, अब फिलहाल बात की जाए तो देश में पिछले 9.5 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या फ़र्क लगता है आपको, कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए कांग्रेस की सरकार में ये था कि आर्मी में पहले जब तक वहाँ से वो नहीं आता था उनका ऑर्डर, तब तक वो अटैक नहीं कर पाते थे, पर अब मोदी जी ने ये कर दिया कि वो अटैक अपने उससे कर सकते हैं, ये चीज़ तो देखने को मिला फ़र्क। क्या कुछ मानते हैं देश में और कुछ क्या कुछ होना चाहिए? और कुछ मोस्टली तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ही होना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो यही इम्पोर्टेंट है। किस तरह देखते हैं, कहीं ना कहीं नशे का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है आजकल, देखने में आया होगा, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो इतना देखो मैं इस चीज़ में नहीं हूँ इतना नशे को लेकर, तो इसलिए उसमें तो नहीं कुछ बोल पाऊँगी। क्या कुछ मन में आपके, पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ काम है, लगता है आपको काम हुआ है पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि अब हरियाणा में भी 25 मई को आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, किस तरह देखते हैं? तो सुधार तो देखो हुआ ही है, कोई भी सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ तो नया लाती है, और डिसएडवांटेज भी हैं सरकार के, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया है इन्होंने, ठीक है, तो अच्छी चीज़ें भी हैं पर माड़ी चीज़ें भी हैं, तो मेरे को तो लगता है कि ज़्यादातर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके ज़्यादा वो बनाना चाहिए, और जॉब्स होनी चाहिए हमारे लिए, और जैसे कि बाहर जाना पड़ता है कई लोगों को कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं यहाँ पे, और इक्वालिटी भी नहीं है, वो चीज़ है, और ज़्यादातर बस यही है कि काम हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है। पूर्व सरकार की बात करें तो कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, कितना अंतर देखते हैं, काम हुआ, रोजगार मिले नहीं मिले, क्या कुछ कहना? रोजगार मिले हैं अब मिलने लगे हैं वो, जब आने इलेक्शन की बात आने लगी है तो लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया, स्कीम आ रही है अब आ रही है, बट कांग्रेस के टाइम पे भी सही था, कांग्रेस के टाइम पे अच्छा था, और महंगाई नहीं थी इतनी ज़्यादा जितनी अब हो गई है, बस नहीं। क्या कुछ मन में है और क्या मुद्दे लेकर इस बार
वोट करने पहुंचेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो यही सोचती हूँ कि सबसे पहले नेता तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, जो कि यूथ की बातें समझ सकेगा। एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ख़राब हो रहा है, इस वजह से लोग बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई पढ़ा लिखा ही आए, ताकि वो प्रॉब्लम समझे, अच्छा सोल्यूशन दे। और मंदिर बनाने से ना विकास नहीं होता देश का, स्कूल और हॉस्पिटल से ही होता है, इसलिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ और युवा वर्ग है, किस तरह देखते हैं? फिलहाल की बात की जाए तो केंद्र में भी मोदी की सरकार है और हरियाणा में भी इस समय बीजेपी की सरकार है, पूर्व में 10 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही, कितना फ़र्क देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, फ़र्क तो सबको दिख रहा है, कोई देखना नहीं चाहता है और कोई देख के भी देख लेता है। तो मैं तो यही कहूँगा, सबको दिख रहा है कि इंडिया जो है आज कितना ऊपर जा चुका है, वो वर्ल्ड में भी इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है, उनकी जो GDP है वो भी इंडिया की बढ़ रही है। तो ओवरऑल जो हम देखा जाए, जो करप्शन इंडिया में होता है, उन करप्शन जो करता है उनको तो सफाई हो ही रही है, ऊपर से इंडिया की भी सफाई हो रही है। और जो युवा वर्ग है उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हैं, वो उनकी गलती है कि वो देखना नहीं चाहते अपॉर्चुनिटीज़ को। और जो जो लोग कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, वो खुद के अंदर तो देखते नहीं कि उनके अंदर स्किल्स तो है ही नहीं, तो बिना स्किल्स के रोज़गार मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं, मेरा पहला वोट है और मैं अनबायस होकर ही वोट डालूंगा, जो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं पिछले 10 सालों में, और उसकी पिछले साल जो सरकार थी 10 साल से पहले उन्होंने क्या किया वो भी हमें साफ साफ पता है। सो अनबायस होकर ही मैं अपनी वोट डालूंगा। तो नशे को लेकर किस तरह देखते हैं, बड़ा है घटा है युवा? कहीं ना कहीं आजकल खेलों में कम लेकिन नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। जहाँ तक नशे की बात है, हम यहाँ पे सारे 18 साल से ऊपर है इसलिए हम वोट भी डाल रहे हैं। और नशे के लिए ना युवा को खुद भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। अगर उन्हें खुद ही नहीं पता होगा, उन्हें वैसे सबको तो पता ही है, ये एक ट्रेंड बन चुका है स्पेशली हरियाणा में, नशे के आदि तो सभी हो रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में खुद भी होना चाहिए सरकार के बैनर लगाने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो सरकार को हर बार दोषी मानना गलत है, अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कुछ मन में है, पहली बार वोट का प्रयोग करने जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं देश में फिलहाल? सर, इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बेसिकली कंट्रोवर्सी टॉपिक है, बीजेपी और कांग्रेस में से कौन बेटर है, कौन बेकार है। और लोग कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बंदे के अंदर काबिलियत हो ना तो कुछ भी पॉसिबल है। ऐसे ये तो सब कहने वाली बातें हैं, लोग बाहर जाते हैं कहते हैं यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है, लोगों की काबिलियत हो तो सब कुछ पॉसिबल है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ और युवा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मन में है आपके, पहली बार वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? सर, महंगाई जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस सरकार के आने से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी लेकिन इस सरकार के आने से मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। जैसे गैस सिलेंडर वगैरह भी हो गया, पहले 400 कुछ का मिलता था लेकिन आज के टाइम में उसका रेट 1000 से ऊपर पहुँच गया है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मतलब जो मतलब जिनके रेट बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गए हैं। और ये सरकार मतलब और मुद्दों पर तो बात करती है लेकिन कभी शिक्षा या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में या और भी ऐसे बहुत से मुद्दे जिन पर ये बात नहीं करती, बेफजूल के बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये बात करती है। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा वगैरह, तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। फिलहाल युवा वोटर है जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्या कुछ इनके मन में था इन्होंने साफ हरियाणा तक के कैमरे पर कहा। हालांकि अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं सामने लोगों की भी नज़र आ रही है, युवाओं ने भी अपना जो है बात रखी। फिलहाल चुनाव नतीजे जब आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जीत का सहरा इस बार किसके सर सजा है। करनाल से हरियाणा तक के लिए।